शहर है हमारा, लेकिन यहाँ बाज़ारों की सूरत हाल है नजायज़ तजावज़ की भरमार है। और यहाँ जो रेहड़ियों वालों ने जो फुटपाथों पे और बाज़ारों का कब्ज़ा जमाया होने की वजह से यहाँ चलना भी बहुत मुश्किल है। और ख़रीदारी करने वाले के लिए जो ख़वातीन आती हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सबका जो हमारी यहाँ पहले हमारी थी TCO फरम सूर साहबा, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे हमारे शहर में, लेकिन अभी जो इंतज़ामिया हमारी TMA वगैरह है वो सब मिली भगत से रेहड़ी वालों को जो है ना कुछ दे दिला के उनसे रेहड़ी नजाय लगवाती है। और जो है मतलब बाजार में चलना भी बहुत मुश्किल है। इंतज़ामिया और DCO साहब से अपील की जाती है कि यहाँ जो नजायज़ तजावजात और जो रेहड़ियों वाले हैं इनको जो है कोई इनका मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो ख़रीदारी करने के लिए यहाँ ख़वातीन और मर्द हजरात आते हैं तो उनको भी जो है कोई मुश्किल पेश ना आए। मैं एक शहरी की हैसियत से एक बात करना चाहता हूँ। जो शहर में नजायज़ तजावजात की भरमार हुई है, आज से कुछ अरसा पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर मैडम फरा मसूद साहबा थी, उन्होंने बड़ी सफाई की थी, बिला तफरीक उन्होंने ऑपरेशन किया, जो रेहड़ी बांध थे या वगैरह सारे उन्होंने दूर किए, अपनी अपनी हदूद में सब दुकानों वालों को भेजा। लेकिन आज TMA की मिली वक्त और जो सियासी क़्यादत है उनकी मिली वक्त से पूरे शहर में गुजरना मुश्किल कर दिया है। जो ये दुकानों वाले बैठे हैं, जो दुकानों के आगे जिन्होंने फड़ियाँ लगा ली हैं, ये रेहड़ियाँ वाली हैं, ये जाति औरतों को मजाक करते हैं, किसी कोई सुनवाई नहीं करती। हमने कई फोरमों पे ये मसला उठाया है, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी बताया है, लेकिन कोई इस पर अमल करने को तैयार नहीं है। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, ये साफ़ होनी चाहिए, बिला तफरीक ऑपरेशन होना चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए। आजकल जो शहर की बाजार की खसूस सूरत हाल है वो इंतहाई ही तशवीश के काबिल है। वहाँ पे लोगों के रश की वजह से और जो रेहड़ी लोग लगाते हैं उसकी वजह से आम दरख्त में गुजरगाह में बड़ी ही दिक्कत पेश आती है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन आती हैं उनके साथ तो रश की वजह से और रेहड़ी वालों की वजह से तो इंतहाई बुरा सलूक किया जाता है। अदरवाइज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हरासमेंट के बड़े ही बैनर लगे हुए हैं कि ख़वातीन की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर यही पैनाफ्लेक्स अगर बाज़ार में लगें कि उनका एहतराम करना चाहिए और उनको ये सहूलत के लिए रास्ता जो है गुजरगा वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इससे पहले जो DCO डॉक्टर फरा यहाँ से होके गई हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छा टेन्योर गुजारा, उन्होंने ज़ाती तौर पर पेन दिया और ख़ुद जाकर उसका मायना किया और ख़ुद अपनी निगरानी में वहाँ पे दब पैर लगवाई और एक हदबंदी मुकर्र की कि दुकानदार ने यहाँ तक अपना जो है पोजेशन बरकरार रखना है, ताकि गुजरगाह जो है वो कुशादा हो जाए, लोगों को गुजरने में तकलीफ ना हो। लेकिन जब वो जैसे ही वो गई हैं डॉक्टर फरा मसूद जो DCO थी, तो उसके बाद तो फिर माहौल ही ऐसा बन गया कि मैं बयान नहीं कुछ कर सकता। पता नहीं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है जो नहीं आई है और जो CO हैं बल्दिया के, जो DC साहब हैं, पता नहीं इस बारे में क्यों खामोश बैठे हैं। या तो DC साहब इस बारे में लाआलम है कि जो बल्दिया है वो पता नहीं काली भेड़ों का किरदार अदा कर रही है, वो अपना को पता नहीं अपना बख्शीश ले रहे हैं उन लोगों से, जिस वजह से ये आमदरफ शादा नहीं हो रही। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आवाम को सहूलत दें, आवाम की ज़िंदगियों को आसान बनाएँ, ख़वातीन के एहतराम की खातर रास्ता गुजरगाह को कुशादा करें। वहाँ जो नजायज़ तजावजात हैं, जो मुकर्रर हदबंदी मुकर्रर कर दी है DCO फरा मसूद ने, उसको बहाल किया जाए। एक अवामी मसले को उजागर करने की कोशिश की है और इसका हल होना चाहिए, इंक्रोचमेंट का हल लाजमी होना चाहिए। पहले एक दफ़ा DCO साहब को मुखातब करके मैं कह रहा हूँ कि ये पहले भी एक एडमिनिस्ट्रेशन आए थे, DCO साहब आई थी, नाम मेरे जहन में नहीं है उनका, डॉक्टर फरा मसूद गालबन।
और उन्होंने जो इनक्रोचमेंट का हल किया था ना, उनकी हदबंदी को बहाल करवा दें। ये DCO साहब से मुखातब करके कह रहा हूँ, बल्दिया की चश्मपोशी का मैं नहीं जानता कि बल्दिया की इस मामले में चश्मपोशी क्यों है, कोई मुफाद है, कोई इस तरह के मामलात हैं, वो डजेंट मैटर। लेकिन DCO साहब के मुखातब करके मैं कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर फरा मसूर साहब की हदबंदी को बहाल करवाने की कोशिश करें। ये टोपा टेक सिंह की आवाम का दरीना मसला भी है और उसका हल होना चाहिए।